भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले, आरएसपी फॉरवर्ड ब्लॉक, उनको भी आना था। पांचों पार्टियों की तरफ से राज्य कमेटी के साथियों ने आज का ये प्रतिरोध आयोजन किया है। मैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सेक्रेटेरिएट की तरफ से, सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से, मैं उनको इस बात के लिए धन्यवाद भी कहना चाहती हूँ, मुबारक भी देना चाहती हूँ और उनको अपना इंकलाब भी पेश करती हूँ। ये कहते हुए कि ये बहुत समय अनुसार उन्होंने जहांगीरपुरी के हादसे के बाद इस प्रोटेस्ट को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है। हिंदुस्तान की हकूमत को बहुत कुछ कहने के लिए, बहुत कुछ बताने के लिए, बहुत सीमित समय में हम सब लोगों ने अपनी बात कहनी है, क्योंकि हम सभी जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हालात की जो सीरियसनेस है उसको समझ रहे हैं और उसी के सिलसिले में हम आने वाले दिनों की अपनी रणनीतियों को, अपने संघर्षों को, इस देश की एकता की, अखंडता की रक्षा करते हुए आगे बढ़ाने के लिए, संकल्प के लिए यहाँ पर पहुंचे। तो मैं तो हैरान नहीं हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो विजिलेंटे ग्रुप्स को क्लीन चिट देते हुए, बचाते हुए, शह देते हुए आज इस बुलडोजर वाद पे पहुंच गई है। हिंदुस्तान रिपब्लिक को एक बुलडोजर रिपब्लिक बनाने की दिशा में वो घुसे। मैं सरप्राइज्ड इसलिए नहीं हूं साथियों कि नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, उनकी टीम हो, जो बड़ी शान से अपने को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयं सेवक बोलते हैं, तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सियासत को ही आगे बढ़ा रहे हैं। आरएसएस बीजेपी की हुकूमत, अपना एजेंडा जो 1925 में उन्होंने सेट किया उसी की तरफ आगे बढ़ रही है। बीजेपी तो पॉलिटिकल विंग है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। सत्ता की बागडोर तो नागपुर के गलियारों से निकलती है, फैसले तो वहां से आते हैं, साजिशें तो वहां तय की जाती हैं, रास्ता तो वहां से दिखाया जाता है। इसलिए मैं अपने सीमित समय में सिर्फ उस तरफ आपका इशारा कर रही हूं कि हेड ग्वार ने आरएसएस की फाउंडेशन के टाम पे साफ और स्पष्ट कहा था, जब पत्रकारों ने पूछा कि इस देश के अंदर आजादी का आंदोलन तीव्रता पकड़ रहा है, जलियांवाला बाग कांड के अंदर नरसंहार हो चुका है, 1920 में असहयोग आंदोलन आगे बढ़ चुका है, उस आंदोलन के बाद आंदोलन वापस लेने पे युवा पीढ़ी निराश हुई, नाराज हुई, आक्रोशित हुई, तो उन लोगों ने क्रांतिकारी आंदोलनों की शुरुआत की। इस पूरे दौर के अंदर पूरा देश चारों तरफ से ब्रिटिश साम्राज्यवाद की हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। तो आप ये आरएसएस बना रहे हैं तो आपका मकसद क्या है? हेडग्वार ने कहा, हमारा मकसद अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना नहीं है। मिस्टर नरेंद्र मोदी, अगर हम आपको कहते हैं कि आपकी पार्टी अंग्रेजों की दलाली करती रही और आज अमेरिका की दलाली करना चाहती है, तो ये हमारा कथन नहीं है, ये आपके फाउंडर ने कहा कि आपका अंग्रेजों के साथ कोई लड़ाई नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है। उनसे पूछा गया, तो आपका फलसफा क्या है, आपकी सोच क्या है, आपकी समझ क्या है, तो उन्होंने कहा, हमारी सोच, हमारी समझ फासीवाद और नाजीवाद है। अगर आज हम कहते हैं कि आप फासीवाद और नाजीवाद की तरफ इस देश को ले जाना चाहते हो, तो ये आपके फाउंडर गुरु ने कहा और आप अपने गुरु के पदचिन्हों पे चलते हुए उनके दिखाए हुए रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। तीसरी बात उनसे पूछी गई कि युवा पीढ़ी तो कुर्बान होने के लिए तैयार है, फांसी के तख्तों पे चढ़ने के लिए तैयार है, तो आप क्या कहना चाहते हैं युवा पीढ़ी को? तो हेडग्वार का जवाब था, ये सारे नौजवान भटके हुए हैं। तो याद रखे युवा पीढ़ी, जिनको आप आइकॉन मानते हो, भगत सिंह, सुखदेव को, राजगुरु को, चंद्रशेखर आजाद को, जितेंद्रनाथ दास को, मन्मथनाथ, लाहड़ी, रोशन, बिस्मिल, अशफाक उल्ला, कितने नाम गिनाए जा सकते हैं जिनको आप आइकॉन मानते हो, और एसएस की नजर में, उसके फाउंडर की नजर में वो भटके हुए नौजवान थे। उन्होंने कहा, तो फिर मकसद क्या है? मकसद है इस देश में हिंदू राज की स्थापना करना।
क्या इनका हिंदू धर्म से कोई वास्ता है? कोई वास्ता नहीं है। ये हिंदू राज की स्थापना नहीं, ये एक थियोक्रेटिक स्टेट बनाना चाहते हैं, जहां आरएसएस की डेफिनेशन, जो हिंदुत्व की आरएसएस की डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के हिसाब से वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और उसके अंदर जहां सावरकर ने रास्ता बना दिया टू नेशन थ्योरी कह के हिंदुस्तान को धर्म के आधार पे बांटने का, वहीं उसके साथ साथ गुरु गोलवलकर ने बंच ऑफ थॉट लिख के बता दिया कि इस देश के अंदर उनके हिसाब से, इस देश के अंदर उनके हिसाब से जो नहीं चलेगा, जो नियम कानून तौर तरीके वो बताएंगे किसको हिंदुस्तान में रहना है, जो नहीं चलेगा वो द्वयम दर्जे का नागरिक होगा। तो गुरु गोलवलकर की किताब उठा के हमें देख लेनी चाहिए कि वो हमें क्या बोलती है। इसलिए साथियों, एक एक कदम, एक एक फैसला, एक एक रास्ता जो समझाया गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को, और जो प्रचारक भी रहे और वर्कर भी रहे, वो उस रास्ते को फॉलो कर रहे हैं। सो आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि ये बुलडोजर रिपब्लिक बना रहे हैं हिंदुस्तान को, डेमोक्रेसी को कुचल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और इसीलिए उनका एक एक कदम आहिस्ता आहिस्ता फियर सेकोसिस की पॉलिटिक्स जो हिटलर ने और मुसोलिनी ने चलाई थी, उस पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ता है। आवाम के अंदर, जनता के अंदर, अपोजिशन करने वालों के अंदर वो सीधे सीधे डर और खौफ पैदा करके और बेस बांट करके, लोगों का बंटवारा करके वोट की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि आज उनके पास ना ध्वस्त होती हुई आर्थिक व्यवस्था के का कोई सोल्यूशन है, ना उनके पास नौजवानों की अनएम्प्लॉयमेंट जो है तेजी से आगे बढ़ रही है उसका कोई हल है, ना उनके पास बढ़ती महंगाई को लगाम लगाने के लिए कोई फार्मूला है, उनके पास इस देश को देने के लिए कुछ नहीं है, केवल और केवल नफरत बांटने के लिए है। इसलिए ऐसी सिचुएशन के अंदर वाम पक्ष की ताकतें बहुत दिलेरी से, हिम्मत से हिंदुस्तान के अंदर इसकी अस्मिता को बचाने के लिए, हजारों वर्षों की सांझी विरासत को बचाने के लिए, देश के संविधान की कोर वैल्यूज को बचाने के लिए मैदान में उतर रही है। ये हमारा सोच है, समझ है, आइडियोलॉजी है, फिलॉसफी है, रास्ता है, यही एक दिशा है जिसको लेके हम सांस लेते हैं, सोते हैं, उठते हैं, जागते हैं, चलते हैं, और हर रास्ते पे कुर्बानियों को के रास्तों को लिखने के लिए कभी गुरेज नहीं करते। इसलिए मैं आप सब साथियों को मुबारकबाद इसलिए कही कि आप वाम पक्ष की उस सोच को लेकर के बड़ी हिम्मत से यहाँ पर अपनी अपोजिशन दर्ज कराने आए हैं, सरकार की उन नीतियों के खिलाफ जो नीतियां इस देश को बंटवारे की तरफ ले जाती हैं। और मेरे पास आंकड़ों के अंबार हैं, अगर मैं कहूं कि इन्होंने हमारे देश को कहां पहुंचाया है, समय नहीं है, मैं बोल नहीं सकती उन सब चीज पे, पर मैं सीधा सीधा और स्पष्ट कहना चाहती हूं, इनकी डराने धमकाने की राजनीति का जवाब ही है डरना नहीं, खौफ नहीं खाना और आवाम के कॉन्फिडेंस को बना करके रखना, यही जवाब है इनका। इनका जवाब है इनसे सवाल करना बेकारी के ऊपर, महंगाई के ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर, और लोगों के अंदर जो हंगर इंडेक्स बढ़ रहा है, जो इस देश की हालात खराब हो रही है, हैरानगी नहीं होगी हिंदुस्तान फिर से उस हंगर इंडेक्स को 102 से फिर और गर्त में आ जाए, ये कोई हैरानगी वाली बात नहीं होगी। इस सारी बैकग्राउंड के अंदर हमारा ये कहना है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को चुनौती देना और चेतावनी देना कि इस तरीके के हथकंडे ज्यादा देर चलने नहीं देंगे। तुम लोगों ने समझ लिया कि अब इलेक्शन जीत लिए यूपी में और उत्तराखंड में, हम सब जानते हैं तुम इलेक्शन कैसे जीते थे, पूरा देश जानता है तुम इलेक्शन कैसे जीते थे, तुम्हारे उन हथकंडों को हम जानते हैं। लेकिन अगर तुम ये समझ रहे हो कि हम जीत लिए और वहां बुलडोजर दिखाए थे, वहां हम बंटवारा करे थे, वहां हम मुस्लिम्स को रोहिंग्या कहे थे, तो बात तो बहुत सीधी है। दिल्ली में तो बहुत सी
कॉलोनीज हैं, 700 से ऊपर कॉलोनीज हैं, जिनको माना जाता है कि वो अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं है, इलीगल है। और 1700 समथिंग, नॉट 700 समथिंग, 1700 समथिंग। तो फिर इतनी कॉलोनिया है तो आप टारगेट एक जगह पे जाके करते हैं, तो इनकी भाषा बताती है कि ये टारगेट किसको कर रहे थे। इन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन एक आधी बार सेंटेंस इस्तेमाल किया, इनके नेताओं ने सीधे सीधे किया, कहा कि वहां रोहिंग्यास हैं और इसके लिए वहां बुलडोजर चलाने हैं। तो बुलडोजर इलीगल कंस्ट्रक्शंस पे नहीं चलाए गए, बुलडोजर माइनॉरिटीज के ऊपर, ये सोच रख के, ये दिशा रख के, ये समझ रख के, ये डिक्लेयर करके किया गया। और इसीलिए हम भी डिक्लेयर करते हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी आर और पार की लड़ाई लड़ना चाहते हो तो ठीक है, हम तैयार हैं सड़कों पे, लेकिन आपके डरपोक और कायर आरएसएस के लोग अलग अलग नामों और अलग अलग आउटफिट के नाम से केवल और केवल समझते हैं कि सत्ता की शय और पुलिस पीठ के पीछे उनके समर्थन में खड़ी रहे और उनको जो कुछ करने दे। ये जो आपकी डरपोकों की और कायरों की भीड़ है, इससे हम डरते नहीं। इन डरपोकों की और कायरों की भीड़ को हम एक्सपोज करेंगे, नंगा करेंगे, इनको पर्दाफाश करेंगे और इस देश के आवाम को समझाएंगे कि हमारा रास्ता अपनी सांझी विरासत को बचाने का है, हजारों वर्षों की सभ्यता को बचाने का है, इस देश के संविधान को बचाने का है और भाईचारे के रास्ते को आगे बढ़ाते हुए जनता के जो दुखते सवाल हैं, आर्थिक मुद्दे हैं, उनको मुखरित करने का है। इतना ही कहते हुए आप सब साथियों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद अमरजीत जी। साथियों मेरे साथ एक नारा लगाइए, फिर उसके बाद मुसलमानों पे हमले नहीं सहेंगे, मुसलमानों पे हमले नहीं सहेंगे, अरे बुलडोजर की राजनीति नहीं चलेगी, वामपंथी पार्टियों की एकता जिंदाबाद। साथियों हमारे बीच में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो मेंबर कॉमरेड बृंदा क्रांत जी है, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो आए और विचार रखें। माइक लगा दे विजय। थोड़ा आगे कर दो आगे। भाई 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 पार्क में घूमने भाई भाई जी जी। अरे हेलो अमिता कृष्णन जाने नहीं रहा हूँ मैं आपको फिर मैं दिल्ली के मैं नहीं आ रहा हूँ सर। पांच वाम दलों के तमाम साथी नेतागण कार्यकर्ता जुझारू साथी आप सबको आप सबको मेरे तरफ से नमस्कार प्रणाम और लाल सलाम। मैं दिल्ली की वाम दलों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कब्जा कर लिया आगे ना कि तुरंत जहांगीरपुरी की 16 अप्रैल की घटना के बाद हमारे साथियों ने पुलिस की घेराबंदी को तोड़कर, घेराबंदी केवल फिजिकल नहीं होता है, सच्चाई का भी घेराबंदी करने का जो प्रयास किया दिल्ली पुलिस ने केंद्र गृह मंत्रालय के नेतृत्व में, कि 16 अप्रैल की जो घटनाएं हैं उसकी एक तरफा तस्वीर देश भर के सामने रखा जाए, दिल्ली के वाम दलों ने एक फैक्ट फाइंडिंग टीम तैयार करके तुरंत वहां जाकर इस झूठ का जो पुलंदा बनाया गया था उसको तोड़ने का एक बहुत अहम काम किया। और इसलिए साथियों मैं आप सबको बधाई देती हूँ, क्योंकि आज सच्चाई से अगर कोई पूछे हमसे कि बीजेपी आरएसएस किस चीज से डरती है, मेरा जवाब होगा बीजेपी आरएसएस सच्चाई से डरती है, सच्चाई के आधार पर आंकड़ों से डरती है। और इसलिए उनका हमेशा यही काम रहा है कि झूठ के आधार पर वो एक ऐसी कहानी बना ले कि
जो अपराधी है उनका अपराध छिप जाए और जो शिकार हुए लोग हैं उन्हीं को शिकार बनाया जाए। भाजपा आरएसएस दंगाइयों को संरक्षण देना बंद करो। कल हम लोग जहांगीरपुरी में थे और हमें पता चला कि आज भी दिल्ली की पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है और घरों में घुस घुस कर आतंक फैला रही है और पूछताछ के नाम पर नौजवानों को गिरफ्तार कर रहे हैं। वो नौजवान कौन है? वो नौजवान एक विशेष कम्युनिटी, अल्पसंख्यकों, एक धर्म में विश्वास करने वाले वो नौजवान है जो आज पूरे सी ब्लॉक में एक आतंक का माहौल बना हुआ है। हम लोग जो वामपंथी हैं, जो कम्युनिस्ट हैं, हम उन तमाम तत्वों के खिलाफ है, चाहे किसी भी धर्म के क्यों ना हो, जो दंगा फैलाते हैं। हम चाहते हैं कि पहचान करके, चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा हो। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज कानून की धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं। आज इस देश के एक नागरिक के अधिकारों पर जबरदस्त हमला हो रहा है और इसीलिए हम ये मानते हैं कि बीजेपी आरएसएस के लिए ये बुलडोजर केवल मशीन नहीं है, ये बुलडोजर उनकी संकीर्ण विचारधारा हिंदुत्व के नाम, ये बुलडोजर उनकी खतरनाक राजनीतिक कार्यनीति के नाम ये बुलडोजर चलाया जा रहा है संविधान के खिलाफ, जनवाद के खिलाफ, नागरिक अधिकारों के खिलाफ। और इसीलिए जहांगीरपुरी उसका सबसे जिंदा मिसाल है। पहले खरगोन में हुआ, यूपी में हुआ, हम सब जानते हैं। लेकिन ये कहना जरूरी है कि 16 अप्रैल को जो एक कहानी बनाई गई है कि एक शांतिपूर्ण हनुमान जयंती के लिए शोभा यात्रा पर सी ब्लॉक में पहुंचते ही अपराधी तत्व जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, उन्होंने इस शांतिपूर्ण शोभा यात्रा पर पथराव किया। ये कहानी पुलिस ने कहा, ये कहानी बीजेपी के दिल्ली प्रेसिडेंट आदेश गुप्ता ने कहा। और सबसे खेद की बात है कि आप पार्टी जो यहां दिल्ली सरकार चलाती है, जिसका एमएलए जहांगीरपुरी में चुना हुआ एमएलए है, जो सी ब्लॉक के वोट की समर्थन से अन्य वोटों के साथ जो एमएलए बना है, आज वो पार्टी के मुख्यमंत्री दिल्ली में वो भी कहता है कि हाँ, पत्थर चलाने वालों पर सजा होनी चाहिए। ठीक है, पत्थर चलाने वालों पर सजा होनी चाहिए, लेकिन वो शोभा यात्रा के संबंध में पूरा खुलासा हो रहा है। हम लोग जब जाते हैं जहांगीरपुरी, जब तमाम कम्युनिटी के लोगों से बात करते, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, पता चलता है कि दो यात्राओं की पुलिस की इजाजत से शांतिपूर्ण तरीके से जहांगीरपुरी में अपने ब्लॉकों में घूमकर डिस्पर्स हो गए लगभग 3:30 बजे। उसके बाद बजरंग दल की युवा वाहिनी, विश्व हिंदू परिषद, उन्होंने बगैर पुलिस की इजाजत से
इकट्ठे होकर मेन रोड पर नहीं चले, सी ब्लॉक की गली के अंदर जाकर और वो तथा कथित शोभा यात्रा, मैं तथा कथित इसलिए कहती हूं धर्म से उनका कोई मतलब नहीं था, हनुमान जयंती को मनाने का धार्मिक भावना से उनका कोई मतलब नहीं था। उन नौजवानों के हाथ में नंगे तलवार थे, उन नौजवानों के हाथ में बड़े बड़े लाठी थे, उन जवानों के साथ एक ऐसे डीजे था और उसके आधार पर बहुत खतरनाक शांति तोड़ने वाले सांप्रदायिक नारे लगा रहे थे। और ठीक उस समय जब रोजा समाप्ति का समय है, जब लोग मस्जिद में जाएंगे प्रार्थना नमाज पढ़ने के लिए, उस समय ये गैर कानूनी हथियार बंद जुलूस मस्जिद पर पहुंचकर सड़क को ब्लॉक करके उकसाने वाले नारे, यहां मैं आपके इस मन से उन नारों का उच्चारण नहीं करना चाहती हूं, लेकिन जय श्री राम के साथ जो गंदे उकसाने वाले नारे मुसलमानों को टारगेट करके दिया गया और जब बोला गया आप एक तरफ हो जाइए, वो नहीं हुए और उसके बाद दोनों तरफ से जो कुछ हुआ आपके सामने है। लेकिन आप कारण नहीं ढूंढेंगे, आप जिसने जानबूझकर गैर कानूनी हथियार बंद जुलूस निकाला उस पर आप कोई कदम नहीं उठाएंगे। अभी 27 जो अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, 22 लोग मुस्लिम नौजवान हैं, 5 हमारे साथी यहां आशा है, ये लोग गए वहां मिलने के लिए उनके परिवार से, उनकी परिवार के 4 लोग गिरफ्तार हुए, 1 जो उनका मुखिया है, 1 मंदिर सरकारी जमीन पर बनी है, उन्होंने पुलिस के मुताबिक इस जुलूस का नेतृत्व दिया और उस परिवार के 4 लोग गिरफ्तार है। लेकिन मैं ये पूछती हूं 120 बी का जो धारा लगा है उनके ऊपर, क्या हम लोग हिंदुस्तान के लोग ऐसे कानून के हम ऐसे मूर्ख हैं कि हम ये विश्वास करेंगे कि 150 की भीड़ में जिसमें 2 पिस्तौलधारी भी थे आपने केवल 5 का नाम लेकर कंस्पिरेसी की बात की? पहले FIR में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का नाम था, पुलिस ने हटा दिया, विश्व हिंदू परिषद का इलाके का नेता को गिरफ्तार किया। कुछ घंटों के अंदर जब धमकी विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेताओं ने दिया पुलिस को, उनको तुरंत छोड़ दिया। ये नहीं हो सकता, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद। और उसके बाद 20 तारीख की घटना, साथियों आप सोचिए, आप जो जहांगीरपुरी जानते हैं, हर ब्लॉक में गरीब लोग हैं जो अपने मकानों के साथ दुकान चलाते हैं, कोई खोखा लगाया हुआ है, कोई रेड़ी के साथ वहां खड़ी है औरत, तमाम इलाके में फैक्ट्री बंद पड़े हैं, कोई रोजगार नहीं है। कल कितने औरतें आए बताने के लिए कि हमने कितना बचत करके वो रेड़ी खरीद कर हम सब्जी फल थोड़ा कुछ कुछ हम लोग बेचते हैं। लेकिन 20 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 10:45 पर आ गया था, लगभग 1.5 घंटा तक ये दिल्ली पुलिस ने नॉर्थ MCD की जो कार्रवाई थी, जो केवल आदेश गुप्ता
के आदेश पर जो बुलडोजर वहां चले, धजिया तो संविधान की उड़ गए, धजिया तो कानून की उड़ ही गए, किसी को नोटिस नहीं दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भी पूरी तौर पर मनहानी हुई और हम लोग सब मिलकर उसको रोका। लेकिन मेरे प्रिय साथियों, लगभग 120 परिवार हैं जो सीधे तौर पर प्रभावित हैं। उनमें से अधिकतर महिलाएं हैं जो घर को चलाते हैं, और इसके साथ साथ उस पूरे सी ब्लॉक में जीविका पर एक रोकथाम है, क्योंकि बैरिकेडिंग के बाद लोग डर रहे हैं कि हम अगर बाहर निकलेंगे तो एक बार फिर पता नहीं हमें क्या मुकाबला करना पड़ेगा। लोगों से नहीं, जनता से नहीं। सबसे जो हमारे लिए प्रेरणा देने वाली बात है कि कुछ ये गुंडे तबके जो संघ परिवार के लोग हैं, उनको छोड़कर आम जहांगीरपुरी के निवासी सद्भाव चाहते हैं। मेरे प्रिय साथियों, उन्होंने कहा हम लोग हमेशा एक साथ रहे हैं। जो एक दुकानदार का लूट हुआ, हरियाणा का है, उसने हमें कल बताया कि दीदी एक तरफ मुसलमान है, एक तरफ हिंदू है। हमने कभी भी उनको हिंदू मुसलमान के रूप में नहीं देखा। ये मेरे ग्राहक है और हमेशा एक होकर, चाहे हम कोई भी हो, हम लोग सब गरीब है, मेहनत करके हम अपने दुकान को चला रहे हैं। ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ? तो साथियों, जहांगीरपुरी की जनता एक है और यही बात है संघ परिवार की साजिश, एकता को कैसे तोड़ा जाए। नॉर्थ ईस्ट में वही हुआ 2020 में। यहाँ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के हमारे साथी यहाँ आए हुए हैं, अभी भी उनका घाव भरा नहीं है, क्योंकि जब इस प्रकार की हिंसा होती है तो मानसिक रूप पर, जीविका के रूप पर और जिंदगी बिताने के आधार पर हमेशा एक खौफ बना रहता है। इसलिए मेरे प्रिय साथियों, वाम दलों का ये धरना एक उम्मीद पैदा करती है कि राजनीति के अंदर ऐसे वाम दलों की यहां मौजूदगी, विचार की मौजूदगी, झंडा की मौजूदगी, अन्याय के खिलाफ लड़ाई की मौजूदगी, यही जो है इस दिल्ली की जनता को आशा देगी, इस दिल्ली की जनता को उम्मीद देगी कि हाँ, हिंदुस्तान की नागरिक के रूप में पूरे अधिकार हमारे हैं और उसी के आधार पर हम यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से हम रहेंगे। ये गरीब विरोधी, ये संविधान विरोधी, ये बीजेपी, ये आरएसएस, इसके खिलाफ एक होकर हम लोग सब कहीं भी हो, एनईपी का बुलडोजर हो कैंपसेस में, लेबर कोर्ट का बुलडोजर हो फैक्ट्रियों में, हिंदुत्व की संस्कृति का बुलडोजर हो महिलाओं की अपने आजादी के अधिकारों के खिलाफ, गरीबों के ऊपर जो बुलडोजर है, हम लोग मेरे प्रिय साथियों एक होकर विचारधारा पर कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि यही वाम दलों का विचारधारा है जो हमें सही रास्ता दिखाएगा और जनता को, देश को बचाने के लिए हमें शक्ति देगी। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, और एकता को तोड़ने वालों का नाश हुआ।